हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है केशिंग राणा, मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का हिंदी माध्यम का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका होमवर्क चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, और वहाँ से जाकर एमिंग हाई ऐप को डाउनलोड कीजिए और एमिंग हाई टेलीग्राम को जाके आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का नोट्स और आप लोगों को होमवर्क वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोग बिना देरी किए आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं संबंध फलन का। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले आप लोगों को, देखिए हम लोगों ने पिछला क्लास में जो पढ़ चुका है, अगर उसको नहीं देखे है ना तो उसको जाकर देख लीजिए, तब आप लोगों को इस लेक्चर को देखिएगा, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो समझने में आप लोगों को मुश्किल का सामना करना होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे ना स्टूडेंट, वह पढ़ेंगे आप लोगों को उपसमुच्चय किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने उपनाम बहुत सुने होंगे, जैसे राज्य में होता है मुख्यमंत्री होता है, उपमुख्यमंत्री होता है, देश में होता है आप लोगों को राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। आप लोग ये दोनों का बात छोड़िए ना स्टूडेंट, आप लोगों ने क्रिकेट तो देखे होंगे ना, तो क्रिकेट में एक होता है कप्तान और एक होता है उप कप्तान। जैसे आप लोगों को कौन है, कप्तान है विराट कोहली और उप कप्तान आप लोगों को रोहित शर्मा है, जो आप लोगों को पता होगा। तो उप कप्तान उसे बोलते हैं स्टूडेंट, जैसे किसी को बोलते उसको बोलते हैं जो कि कप्तान का कुछ भार उप कप्तान को मिल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं उप कप्तान। मतलब जो कप्तान का भार है उसका कुछ भार किसी व्यक्ति को दे दिया जाए ना तो हम लोग उसको बोलते हैं उप कप्तान। जैसे विराट कोहली है वह कप्तान है, उसका कुछ भार आप लोगों को रोहित शर्मा को भी दिया हुआ है, तो उसी के जैसे रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं तो आप लोग जो कप्तान बन जाते हैं वह बन जाते हैं रोहित शर्मा। वैसे ही अगर किसी कोई समुच्चय में कुछ अव्यव को हम अगर सिर्फ ले लें तो वह आप लोगों को उप समुच्चय कहलाता है। यही इसका डिफिनेशन था, लेकिन मैं इसको दिखाता हूँ। अब मैं इस तो ये तो बताया आप लोगों को समझाने के लहजे से कि आप लोग इसको समझ सकें, अब मैं आप लोग को इसका डिफिनेशन बताता हूँ। तो बोला जा रहा है इसमें, यदि कोई दो समुच्चय ऐसे हो कि एक का प्रत्येक अव्यव दूसरे का भी अव्यव हो तो प्रथम समुच्चय का द्वितीय उप समुच्चय कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई दो समुच्चय है स्टूडेंट, इसमें बोला जा रहा है कोई दो समुच्चय है और जो पहला समुच्चय है ना उसका कुछ अव्यव मतलब कुछ इलेमेंट दूसरे अव्यव में शामिल दूसरे समुच्चय में शामिल हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि जो पहला जो आप लोगों को प्रथम समुच्चय है वह दूसरे का उप समुच्चय है। कैसे, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल द्वारा दर्शाता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक पहला समुच्चय है ए, देखिए पहला समुच्चय ए है, इसमें आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 है और इससे हम एक उप समुच्चय बना रहे हैं। मतलब जो पहला अव्यव है पहला समुच्चय है उसका कुछ भार मतलब कुछ इलेमेंट हम दूसरे सेट में डाल रहे हैं, दूसरे समुच्चय में डाल रहे हैं। तो हम लोग डालते हैं, देखिए हम लोग एक सेट समुच्चय और बी ले लिए और इसमें हम लोग 2 और 3 ले लिए और 4 ले लिए। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ यह हुआ कि जो समुच्चय ए में इलेमेंट था उसी का कुछ इलेमेंट हम लोगों ने समुच्चय बी में डाल दिया तो वहीं आप लोगों को कहला गया क्या कि जो प्रथम समुच्चय है या दूसरे का उप समुच्चय, यहीं आप लोगों को कहला गया। क्यों, क्योंकि जो समुच्चय बी है उसका प्रत्येक अव्यव है वह समुच्चय ए का टुकड़ा है। जैसे 2 का यहाँ पर टुकड़ा है, 3 भी ए समुच्चय में है और 4 भी ए समुच्चय में है, तो यहीं आप लोगों को टुकड़ा हुआ ना स्टूडेंट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग उप समुच्चय। उप समुच्चय तो आप लोगों को समझ में आ गया, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेट है समुच्चय है 2, 3, 4 और दूसरा समुच्चय आप लोग इसे बना रहे हैं है उसमें 2 और 3 है। ये भी देखिए इसका टुकड़ा है कि नहीं, समुच्चय ए का समुच्चय बी टुकड़ा है कि नहीं, इसी से लेकर बनाया गया है यह बनाया गया है समुच्चय कि नहीं स्टूडेंट। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये समुच्चय है इसी से लेकर ये आप लोगों को एक समुच्चय बनाया गया है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं समुच्चय। ये आप लोगों को समुच्चय हो गया, इसका कुछ भार ये समुच्चय ले लिया तो ये आप लोगों को बन गया उप समुच्चय, आप लोगों को ये बन गया क्योंकि इसका जो समुच्चय है उसका कुछ भार समुच्चय बी ले लिया,
यह समुच्चय ए में पूरा भार था, लेकिन कुछ भार था वह समुच्चय बी ले लिया, इसीलिए वह कहला गया आप लोगों को उपसमुच्चय। तो स्टूडेंट, उपसमुच्चय को भी दर्शाने का ना दो तरीका होता है। आप लोगों को यहाँ पे दो तरीका दिया भैया हुआ हूँ, मैं इसे मैं पढ़कर बताता हूँ। देखिए तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पहला में कि ए बराबर, देखिए आप लोगों को एक समुच्चय ए है उसमें आप लोगों को 1, 2, 3, 4 है, और कोई समुच्चय बी है उसमें आप लोगों को 2 और 3 है, तब हम बोल सकते हैं कि जो है ए समुच्चय उप समुच्चय है बी का। कैसे? क्योंकि देखिए जो ये समुच्चय बी है वह ए का टुकड़ा है कि नहीं, ए से ही लेकर बनाया गया है कि नहीं, देखिए तो आप लोग खुद देख सकते हैं। इसमें 2 और जो 3 एलिमेंट है वह देखिए 2 और 3 इस समुच्चय ए में लाई कर रहा है कि नहीं, समुच्चय ए में है ना, उसी का 2 जो समुच्चय ए है उसी में से हम लोग 2 और 3 को बाहर निकालकर एक समुच्चय बना लिए, तो वहीं आप लोगों को बन गया एक उपसमुच्चय। नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ 2, 3 ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 1, 2 ले सकते हैं, 3, 4 ले सकते हैं, 1, 3 कुछ भी आप ले सकते हैं, आप पे वो डिपेंड करता है कि वह आप लोग क्या लीजिएगा। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि समुच्चय को कुल उपसमुच्चय की संख्या कितना होगा, तो उसमें आप लोगों को वहाँ पर भी समझ में आ गया कि हम लोग कितना उपसमुच्चय बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उपसमुच्चय बनाने के लिए सबसे पहले सीख चुके कि हम लोग उपसमुच्चय किसे बोलते हैं। तो हम लोग उपसमुच्चय उसे बोलते हैं कि समुच्चय में से कुछ भाग को हम लोग निकाल कर एक नया समुच्चय बना लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उपसमुच्चय। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया, और मैंने अभी तक बताया कि इसको समझाने के लिए आप लोगों को आप लोगों को सैम्बुल का उपयोग किया जाता है। पहला सैम्बुल आप लोगों को ये है और दूसरा सैम्बुल ये है, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। देखिए जो पहला सैम्बुल है ना स्टूडेंट, मतलब ए और जो सी से हम लोग दिखा रहे हैं, ए और ये उल्टा सी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए बताने के लिए मैं बताऊंगा इसको सी, और जो बी है यह आप लोगों को दर्शाता है ना कि जो समुच्चय ए है उसका हम लोग पूरा भार नहीं दे रहे हैं। पूरा भार नहीं देने का मतलब कि उसमें से हम कुछ ही एलिमेंट को सिर्फ लेंगे, जैसे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को एक समुच्चय है ए, इसमें आप लोगों को 1, 2, 3, 4 अगर हम लोग इसको ऐसे दर्शा रहे हैं, मतलब कोई एक उपसमुच्चय बना रहे हैं इसका बी, अगर हम लोग ऐसे दर्शा रहे हैं ए उपसमुच्चय है बी का, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग ए का पूरा अव्यय हम मतलब पूरा का पूरा भार हम लोग जो दूसरा से बना रहे हैं समुच्चय उपसमुच्चय उस पर हम नहीं देंगे, केवल हम कुछ ही भार देंगे, मतलब इसमें से कुछ ही एलिमेंट हम लेंगे, पूरा का पूरा एलिमेंट हम उपसमुच्चय बी में नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ले सकते हैं 1, 2, 3 तक ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 लेने पे ये आप लोगों को ऐसा नहीं, 1, 3, 4 ले सकते हैं लेकिन 1, 2, 3, 4 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1, 2, 3, 4 अगर दे दिए तो ये आप लोगों को समुच्चय ए का पूरा भार समुच्चय बी पे पड़ गया, लेकिन आप लोगों को ये सैम्बुल दर्शाता है कि ये पूरा का पूरा भार आप उस समुच्चय पे नहीं दे रहे हैं। तो इसमें आप कुछ ही अव्यय ले सकते हैं, पूरा का पूरा अव्यय आप लोग समुच्चय ए का नहीं ले सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं दर्शाता हूँ दूसरा सैम्बुल, तो उस पर आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा समुच्चय जो ये आप लोगों को सैम्बुल दर्शाता है, सी के नीचे एगो डंडा घींच देते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है ना स्टूडेंट कि आप लोग उसमें से कुछ भी कुछ भार दे सकते हैं, या आपको मन है कि नहीं हमको पूरा, जैसे हम लोग जा रहे हैं तो पूरा का भार हम उसी को दे देंगे, ऐसा भी होता है ना। जैसे कि आप देखे होंगे जब विराट कोहली नहीं रहते हैं तो पूरा टीम का भार आप लोगों को क्या हो जाता है, रोहित शर्मा पे आ जाता है, वह बन जाते हैं कप्तान उस मैच के लिए। तो वहीं यह सैम्बुल दर्शाता है कि यह आप लोग अगर हम नहीं है ना, तो जब आप लोगों का मन है तो आप लोग मेरा पूरा भार उस उपसमुच्चय को दे दीजिए। जैसे कि अगर कोई समुच्चय ए है उसमें आप लोगों को 1, 2, 3, 5, 6 है, तो आप लोगों को अगर मन है कि नहीं हम अगर ये सैम्बुल से दर्शाएं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग 1, 2 के साथ भी एक उप समुच्चय बना सकते हैं, 1, 2, 3 के साथ भी बना सकते हैं, 1, 3 के साथ बना सकते हैं, या कुछ के साथ बना सकते हैं, 1, 2, 3, 5, 6 के साथ भी आप लोग लास्टली उपसमुच्चय बना सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये आप लोगों को इसका पूरा भार ये लेने के लिए तैयार है। यही आप लोगों को दो सैम्बुल था स्टूडेंट। देखिए आपको बोला गया है कि ए बराबर 1, 2, 3, 4 और बी बराबर 2, 3 है,
तब हम बोल सकते हैं कि ए है वह है आप लोगों को द्वितीय समुच्चय का उप समुच्चय है, आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये आप लोगों को बोल सकते हैं इस्तांबुल का, कि ये भी आप लोग को ऐसे ही बोल दिएगा, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है और हम लोग दूसरा एगो उप समुच्चय बनाए, वह बनाए उसमें अव्यव है 1, 2, 3, 4, तब हम बोल सकते हैं ए है जो वह उप समुच्चय है बी का। बोलने का तरीका सेम है, सिर्फ आप लोग को इस्तांबुल देख कर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि मैं इस कैसे दर्शाऊँ, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ना कि किसी समुच्चय का हम लोग कितने उप समुच्चय बना सकते हैं, तो देखते हैं हम उसको। अगर देखिए तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है किसी समुच्चय का उप समुच्चयों की संख्या, मतलब कि अगर कोई समुच्चय दिया हुआ है, मान लीजिए कि समुच्चय दिया हुआ है ए बराबर 1, 2, 3, तब आप लोग मैक्सिमम इसका कितना उप समुच्चय बना सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आप लोग इसका कितना टुकड़ा बना सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए ना स्टूडेंट कि आपके पास तीन टाइप का टॉफी है, T1 टॉफी, T2 टॉफी और T3 टॉफी, तो आपको क्या हो सकता है, आपको हो सकता है कि इसमें से आप लोगों को किसी भी तीनों टॉफी में से कोई टॉफी पर आप लोगों को पसंद नहीं है, हो सकता है कि नहीं, या हो सकता है आप लोगों को सिर्फ T1 टॉफी पसंद है, या हो सकता है कि आपको T2 टॉफी पसंद है, या हो सकता है आपको T3 टॉफी पसंद है, या नहीं आपको हो सकता है कि T1 और T2 दोनों पसंद है, या हो सकता है वैसे ही कि आप लोगों को T2 और T3 पसंद है, और ये भी तो आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को तीनों का तीनों टॉफी पसंद है। आप पर तो मन पे डिपेंड करता है, आप पर च्वाइस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना टॉफी पसंद आया है। तो यही दिशा, और एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोगों को मामा जी के यहाँ जाना है, मामा जी के जाने के लिए आपको अनवारी में रखा हुआ है तीन आप लोगों को पैंट रखा हुआ है, ब्लैक, वाइट और ग्रीन, ये आप लोगों को तीन टाइप का आप लोगों को पैंट रखा हुआ है अनवारी में। तो आप मामा जी के यहाँ जा रहे हैं तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम मामा जी के यहाँ जाएँ तो मामा जी हमको कपड़ा दिलवा दिए, तो आप एक भी पैंट लेकर नहीं जा सकते हैं, या आप लोगों को क्या कि हमको नहीं जाना है एक सप्ताह के लिए, तो आप या ब्लू पैंट लेकर जा सकते हैं, या वाइट पैंट ले जा सकते हैं, या ग्रीन पैंट ले जा सकते हैं, आप लोगों को मन पे डिपेंड है। आप लोगों को अगर ज़्यादा दिन रहना होगा तो आप लोग दो दो पैंट ले जा सकते हैं, कोई दो पैंट ले जाइएगा, या आप लोगों को और ज़्यादा दिन रहना होगा 2 महीना 3 महीना, तो आप तीनों का तीनों पैंट ले जा सकते कि नहीं। तो वहीं हुआ आप लोगों को क्या कि हम लोग उसका बना दिए, उसका हम लोग टुकड़ा कर दिए। तो यहीं आप लोगों का था किसी समुच्चय का कुल उप समुच्चयों की संख्या। अब मैं आप लोगों को नंबर द्वारा समझाता हूँ, देखिए तो मैं आप लोगों को नंबर से समझाता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए मैं आप लोगों को नंबर से समझा रहा हूँ, मैथ में अब बहुत मैंने आप लोगों को एग्जांपल द्वारा समझा दिया, मैं आप लोगों को एक नंबर द्वारा समझा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई समुच्चय कोई आप लोगों को शीट है, समुच्चय है ए, उसमें आप लोगों को 1, 2, 3 अव्यव है, उसमें आप लोगों को मान लीजिए कि इसका बोल रहा है आप लोगों को कि उप समुच्चय बनाइए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को मन हुआ स्टूडेंट तो आप लोग कोई भी नंबर के साथ उप समुच्चय नहीं बनाइएगा, मतलब आप लोग कुछ भी लेकर नहीं जाइएगा, या आप लोगों को मन है कि नहीं हमको कम से कम एक अव्यव को साथ में ले चाहिए, मतलब आप लोग कहूँ अगर जा रहे हैं घूमने के लिए, मान लीजिए घूमने के लिए जा रहे हैं आप लोग, तो घूमने के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है, अपने एक दोस्त के ले जा सकते हैं, या नहीं हमको अकेले ही चलना है घूमने, हमको ज़्यादा भाड़ा लगता है, हम अकेले ही जाएंगे घूमने, तो आप अकेले भी घूमने जा सकते हैं, या आप एक दोस्त के लेकर जा सकते हैं, या दो दोस्त के ले जा सकते हैं, या तीन दोस्त के ले जा सकते हैं, वैसे ही आप लोग क्या हुआ अपने दोस्त के साथ जाइएगा तो उसका भी कुछ जिम्मेदारी होगा ना कि हाँ मैं आपको साथ आया हूँ तो आपको कुछ मतलब हेल्प करूँ, आप लोग को दोस्त के साथ हेल्प करने का आप लोगों को कुछ दोस्त के साथ जिम्मेदारी हो जाएगा ना। तो वही है कि यहाँ पर अगर कोई समुच्चय उप समुच्चय बना रहे हैं समुच्चय का, तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पर कोई समुच्चय हम कोई भी नंबर को नहीं लेंगे, या हमको मन है कि नहीं हम 1 नंबर को ले लेंगे, या आपको मन है कि हम 2 नहीं हम 1 को नहीं लेंगे सिर्फ 2 को लेंगे, तो आप लोगों को जितना ही च्वाइस बनता है ना स्टूडेंट उसी को हम लोग बोलते हैं उप समुच्चय। तो नहीं हम 3 को लेंगे, या आप लोग 1 और 2 को ले सकते हैं साथ में, या 2 और 3 को साथ में ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं 1, 2, 3 आप लोग तीनों को साथ में ले सकते हैं। तो यहीं आप लोगों को उप समुच्चय हुआ स्टूडेंट, यहीं आप लोगों को निकल गया। तो आगे मैं बताता हूँ कि कैसे निकलता है, देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या आप लोगों को दिख रहा है आप लोगों को, हाँ देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 नोट दिया हुआ है आप लोगों को कि समुच्चय एक संचय होता है,
समुच्चय एक संचय होता है, इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि मान लीजिए ना कि कोई आपका दोस्त राम है, राम है उसके पास आप लोगों को क्या है, काला पैंट है, काला पैंट आप लोगों को राम के पास है, और एक आप लोगों को उजला पैंट है, और आप लोगों को श्याम है उसके पास भी आप लोगों को उजला पैंट है और काला पैंट है। तो आप लोग बताइए, तो आप लोग इसका अर्थ क्या हुआ, राम के पास भी और श्याम के पास भी सेम कलर का पैंट हुआ कि नहीं, उसके पास भी चाहे काला पैंट रहे चाहे उजला पैंट रहे, और जो श्याम के पास है या उजला पैंट बोलिए और काला पैंट बोलिए, कलर तो दोनों का सेम ही है ना। तो वहीं ये होता है स्टूडेंट कि आप लोग अगर बना रहे हैं उपसमुच्चय तो वन और टू लीजिए, या कि टू के साथ बनाइए या टू और वन के साथ बनाइए, ये आप लोगों को सेम होता है। यही आप लोगों को बोला जा रहा है कि उपसमुच्चय एक संचय होता है, यही आपको इसका अर्थ हुआ कि उपसमुच्चय एक संचय होता है। आगे बोला जा रहा है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। जैसे आप लोगों ने देखा ना कि आपको घूमने जाना है तो आप लोग किसी के साथ नहीं लेके जा रहे हैं, तो इसको आप लोग दर्शाते हैं, हम लोग दर्शाते हैं इस टैमूल से कि ये आप लोगों को ब्लैंक है, या आप लोग फाई से भी दर्शा सकते हैं। तो यही हुआ कि आप लोग क्या देखिए, तो जो फाई है वह प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है कि नहीं, आप लोग प्रत्येक समुच्चय को बना सकते हैं फाई के साथ उपसमुच्चय, क्योंकि बनाना ही होगा, आप लोगों को माने कि नहीं हम किसी को नहीं ले जाएंगे, मतलब फाई रिक्त, हम किसी को नहीं जाएंगे मतलब रिक्त है, तो रिक्त है इसको दर्शाने के लिए हम लोग ये दर्शाते हैं। यही एक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक समुच्चय होता है। और आगे बोला जा रहा है समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। आप लोगों को जैसे मैं बताया था वहाँ पे कि आप लोग वन टू जैसे तीनों को अगर लेके जाना है, मतलब आप लोग वन टू थ्री हम एक समुच्चय लिए थे, उसमें जब लास्ट हम लोग अब बनाया था उपसमुच्चय वन टू थ्री, मतलब हम तीनों को ले रहे हैं तो वह तो समुच्चय के ही इक्वल था। तो यही आप लोगों को बोला जा रहा है कि समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। मैं क्वेश्चन इस पर करवाऊंगा, आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए आप लोगों को सामने क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए तो बोला जा रहा है कि अगर ए बराबर वन टू थ्री तो इसके उपसमुच्चय को लिखें और उपसमुच्चयों की संख्या निकालें। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ना, बोला जा रहा है ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है ए बराबर वन टू एट, तो बोला जा रहा है इसका आप लोग उपसमुच्चय लिखें और उपसमुच्चयों की संख्या निकालें। तो आप लोगों ने उपसमुच्चय तो निकालने के लिए सीख चुके हैं, तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। मान लीजिए ना कि हम कोई भी अव्यय को नहीं शामिल करेंगे, मतलब रिक्त अव्यय, यही आप लोगों को जो था ना रिक्त अव्यय रिक्त समुच्चय, वहीं आप लोगों को क्या बोला, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। मतलब हम लोग रिक्त ले रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे हैं इसमें, देखिए हम लोग इसमें कुछ भी कोई भी इलेमेंट को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, ये आप लोगों को एक बन गया उपसमुच्चय। या आपको माने कि नहीं हम वन के साथ बनाएंगे तो ये भी आप लोग को बना सकते हैं, या आप लोगों को माने कि टू है हम लोग आप लोग टू के साथ बना सकते हैं, एट के साथ एक बना सकते हैं, और हम लोग वन और टू के साथ भी एक बना सकते हैं उपसमुच्चय। और देखिए हम लोग टू और वन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया क्या आप लोग को एक बताया था ना कि समुच्चय एक संचय होता है, मतलब संग्रह होता है। तो देखिए आप लोग वन कॉमा टू लिख रहे हैं या टू कॉमा वन लिख रहे हैं, आप लोगों को बात तो सेम है, मैं आगे समझा चुका हूँ, इसलिए हम लोग टू कॉमा वन को नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ हम लोग टू वन कॉमा एट को लिख सकते हैं स्टूडेंट। वैसे हम एक समुच्चय बना सकते हैं, उपसमुच्चय बना सकते हैं, किसके साथ, टू और एट के साथ बना सकते हैं, और हम लोग बना सकते हैं तीनों के साथ, मतलब वन टू और एट के साथ एक उपसमुच्चय बना सकते हैं। यही आप लोगों को हो गया उपसमुच्चयों की संख्या। आप लोग गिनिए तो आप लोग कितना है उपसमुच्चय, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आप लोग इसको मैक्सिमम आठ उपसमुच्चय बना सकते हैं। जब समुच्चय ए में आप लोगों को थ्री एलिमेंट हो तब आप मैक्सिमम आठ उपसमुच्चय बना सकते हैं। तो आप लोगों ने उपसमुच्चय लिख दिए, मैं उपसमुच्चय का अगर फार्मूला बताऊंगा, लेकिन उपसमुच्चय के यहाँ पर संख्या पूछा रहा था उसको भी मैं लिख देता हूँ। आप लोगों से बोला जा रहा था कि उपसमुच्चयों की संख्या निकाले, यह भी आप लोगों से बोला जा रहा था ना संख्या निकाले, तो उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के मैं अगर फार्मूला दिखाऊंगा, लेकिन होता है वह टू के पावर एम होता है। एम का अर्थ यह हुआ स्टूडेंट कि जितना भी समुच्चय में अव्यव है ना उतना के आप लोगों को टू के पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मिला के थ्री, कितना थ्री अव्यव था ना, वन टू थ्री अव्यव था,
तो यहाँ अगर उप समुच्चय की संख्या निकालेंगे तो वह हो जाएगा 2 के पावर 3, मतलब कि 8 उप समुच्चयों की संख्या होना चाहिए। तो हम लोग को आया भी था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ उप समुच्चय बना चुके हैं। यहीं आप लोगों को हम लोग निकाल चुके उप समुच्चयों लिख चुके हैं। यहाँ पे देखिए उप समुच्चय बोला जा रहा था, उसको भी लिख चुके, ये आप लोगों को उप समुच्चय है और उप समुच्चयों की बोला जा रहा था संख्या निकाले, तो हम लोग उप समुच्चयों की ये संख्या निकाल भी लिए। अब मैं इसको बताता हूँ कि आप लोगों को ये फार्मूला कहाँ से आया। देखिए ये आप लोगों को उप समुच्चयों की संख्या निकाले ना, उसका फार्मूला कहाँ से आया, देखिए आप लोगों को ये इसका देखिए पहले आंसर आप लोगों को दिख रहा है। बोला जा रहा है कि अगर ये बराबर इसके ए बराबर 1, 2, 8 तो इसके उप समुच्चय लिखें और उप समुच्चयों की संख्या निकालें, तब आप लोगों को उप समुच्चय जो निकाला हुआ आप लोगों को 5 मतलब रिक्त उप समुच्चय बना सकते हैं। कोई भी उप समुच्चय में आप लोग कोई भी नंबर शामिल नहीं कर सकते हैं, या 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, या अकेले अकेले मतलब 1, 2, 3 मतलब अकेले अकेले शामिल कर सकते हैं, या जोड़ा में कर सकते हैं, या तीनों मतलब आप लोगों को ट्रिपल जितना भी है आप लोग उसको भी शामिल कर चुके हैं। तो यही आप लोगों को बन गया उप समुच्चय, और ए बराबर आप लोगों को 3 था तो उप समुच्चयों की संख्या वो 2 के पावर 3। आप लोगों को मैं बताया कि जो उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए होता है वह होता है 2 के पावर m, यह आप लोग मैं बताया ना, तो m के जगह पर 3 था तो 2 के पावर 3 हो गया, तो उप समुच्चयों की संख्या हो गई 8। मैं आगे लेकर चलता हूँ। देखिए आप लोगों को यहाँ पर देखा प्रूफ दिखाया हुआ है कि आप लोग उप समुच्चयों की संख्या कहाँ से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, उप समुच्चयों की संख्या यदि ए अवयवों की संख्या m अर्थात जो पहला आप लोगों को समुच्चय है उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट हो तब इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर m होती है। आप लोगों ने ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग ये क्लास 12th में पढ़े होंगे, 11th में, यहीं आप लोगों को इसी से आप लोगों को परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से इसका प्रूफ होता है। इसका प्रूफ यही हुआ कि आप लोग मन है कि नहीं, हम लोग कोई भी जो अव्यय है उसमें से कोई भी अव्यय नहीं ले रहे हैं, मतलब 0 अव्यय ले रहे हैं, या आप लोगों को जैसे प्लस, या आप लोगों का मन है कि जिस हमको 5 अव्यय समुच्चय में है उससे मन है कि हमको नहीं 1 अव्यय लेना है, तो वैसे ही आप लोग 1 अव्यय ले सकते हैं, तो NC1 हो जाएगा वहाँ पे। आप लोगों को नहीं माने कि हम 2 अव्यय ले सकते हैं तो NC2 हो जाएगा। आप लोग को ऐसे ही जितना भी अव्यय है उतना आप लोगों ने लास्ट ले सकते हैं तो NCN हो गया। और इसका जो फार्मूला आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, इसका फार्मूला होता है 2 के पावर n। तो हम लोगों ने यहाँ पे m दर्शाया क्योंकि हम लोगों ने माना कि जो अव्यय है वह आप लोगों को समुच्चय a में m अव्यय है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 के पावर m से दर्शाया है। आगे देखते हैं क्या आप लोगों को है स्टूडेंट, आगे आप लोगों को ये आप लोगों को देखिए यहाँ पे 2 होमवर्क दिया हुआ है, आप लोग इसको कीजिएगा। आप लोगों को स्क्रीन के सामने 2 होमवर्क दिख रहा है ना, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कितना स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं। आप लोगों को ये यहाँ पे मैं वीडियो को लास्ट तक लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, यहीं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क दिख रहा है, इसको करके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।